इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड एंड MRI। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोग्राफी की। मेमोग्राफी में ब्रेस्ट का एक्सरे इमेज ली जाती है और मेमोग्राफी दो प्रकार की होती है, डायग्नोस्टिक एंड स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी उन लेडीज़ को रिकमेंड की जाती है जिसमें कोई भी लंप नहीं है और यूजुअली इट इज़ एडवाइज आफ्टर एज ऑफ 40 एंड नॉन प्रेग्नेंट एंड नॉन ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़। और जो डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी होती है वो उन लेडीज़ को एडवाइस की जाती है जिसमें ऑलरेडी लंप को डिटेक्ट किया गया है या फिर कोई चेंजेस फील किए गए हैं ताकि उस लंप को प्रॉपरली एग्जामिन किया जा सके। और मेमोग्राफी की मदद से कुछ डीप सीटेड लीजन्स जो होते हैं और जो पैल्पेशन पर मिस हो सकते हैं उनको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ माइक्रो कैल्सिफिकेशंस होती हैं जो कि कैंसर का साइन होती हैं, उनको भी मेमोग्राफी पर इजीली पिक किया जा सकता है। मेमोग्राफी के बाद बात करेंगे हम अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड भी ब्रेस्ट लंप को डायग्नोस करने के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है, इजीली अवेलेबल है, कॉस्टली भी नहीं है। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन का भी कोई रिस्क नहीं है। अगर मेमोग्राम पर कुछ भी चेंजेस दिखे हैं या फिर लंप देखा गया है या फिर एग्जामिनेशन पर कुछ लंप फील हुआ है जो कि मेमोग्राम पर डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसे केसेस में अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड है और अल्ट्रासाउंड की मदद से हम उन चेंजेस को पिक कर सकते हैं। तो बेसिकली मेमोग्राम कंबाइंड विद अल्ट्रासाउंड हमें बहुत से ब्रेस्ट लंप के बारे में बहुत अच्छा आइडिया देते हैं। MRI एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है लेकिन ये कॉस्टली है। MRI की मदद से हम बहुत ही छोटे लंप्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि मेमोग्राम या अल्ट्रासाउंड पर मिस हो सकते हैं। और MRI स्पेशली उन लेडीज़ के लिए इंडिकेटेड है जिसमें कैंसर का रिस्क नॉर्मल पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है, जैसे कि BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशंस। जिन लोगों में BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशंस होती हैं उनमें कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है, ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। और ऐसी लेडीज़ में मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड बहुत यूज़फुल टेस्ट नहीं है क्योंकि इन टेस्ट पे स्मॉल साइज कैंसर को मिस कर सकते हैं, लेकिन MRI की मदद से बहुत छोटे लंप उनको भी इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर आपको कभी भी ब्रेस्ट में कोई अबनॉर्मैलिटी फील होती है या लंप फील होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसकी मदद से आप किसी भी अबनॉर्मैलिटी को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।